रहीम, लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द नेक्स्ट सबसेक्शन विच इज द सबसेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। सो इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियस को हम कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रही होती हैं। और ये किस तरह से न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रही होती हैं इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन, शेप एंड नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। सो लोकेशन के हवाले से जो न्यूक्लियस है ये एनिमल सेल्स में सेंट्रल इन पोजीशन है। ये क्यों सेंट्रल है? क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि न्यूक्लियस को किसी साइड पे पुश करे, जैसा कि प्लांट सेल्स के केस में है। तो प्लांट सेल्स में, ख़ास तौर पे मैच्योर प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज साइज वैक्यूल होता है, और लार्ज साइज वैक्यूल इसको पुश कर देता है टूवर्ड्स पेरीफ्री। इसको हम इस डायग्राम के जरिए भी अंडरस्टैंड करते हैं। यू कैन सीन हेयर कि हमारे पास यहाँ पर ये एक प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, और ये आपको एक लार्ज साइज वैक्यूल नज़र आ रहा है, और इस वैक्यूल ने इस न्यूक्लियस को पेरिफ्री की तरफ पुश किया हुआ है। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लार्ज वैक्यूल द न्यूक्लियस इज पेरिफेरल इन पोजीशन इन द प्लांट सेल्स। इसके मुकाबले में अगर हम एनिमल सेल्स को देखें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल इन पोजीशन है, बिकॉज देर इज नथिंग लाइक लार्ज वैक्यूल देयर वहाँ पे, बल्कि मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस की पोजीशन पर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होते। हाँ, अगर कोई प्लांट सेल ऐसा हो जो कि मैच्योर प्लांट सेल नहीं है तो उसके अंदर भी लार्ज वैक्यूल नहीं होगा, क्योंकि लार्ज वैक्यूल ये मैच्योर प्लांट सेल ही का फीचर है। सो अगर उसमें लार्ज वैक्यूल नहीं होगा तो उसमें भी अगर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होंगे अगेन उसमें भी जो न्यूक्लियस की जो पोजीशन है ये सेंट्रल हो जाएगी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। शेप के हवाले से न्यूक्लियस इरेगुलर भी हो सकता है या इसकी स्फेरिकल शेप भी हो सकती है। और अब हम नंबर के ऊपर बात करते हैं, तो नंबर के हवाले से हमारे पास डिफरेंट काइंड के सेल्स हैं। वी कैन हैव द एन्यूक्लियर सेल्स, हमारे पास ऐसे सेल्स भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, ह्यूमंस के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो अगर उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर उनके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे रेगुलेट हो रही हैं, राइट? क्योंकि अगर न्यूक्लियस नहीं है इसका यह मतलब भी है कि उसके अंदर फिर क्रोमोसोम नहीं है, राइट? क्रोमाटिन नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है, डीएनए नहीं है, और अगर डीएनए नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी, आरएनए नहीं बनेगा, और उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन्स नहीं बनेगी, तो फिर इसके सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो कैसे कैरी आउट हो रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब रेड ब्लड सेल अपने स्टेम सेल से डेवलप हो रहा होता है उसी वक्त ये अपने लाइफ टाइम यूज़ के लिए डिफरेंट एंजाइम्स और प्रोटीन्स को साथ लेके आता है, राइट? सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली न्यूक्लियस डिसअपियर तो हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो अल्टीमेटली इसके अंदर मौजूद रहेंगी, और हर प्रोटीन की सेल में हाफ लाइफ होती है। सो जब उन प्रोटीन्स की लाइफ ओवर होगी, जब ग्रेजुअली वो अब कह लें कि डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली इट वुड रिजल्ट इन टू द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। सो इसीलिए रेड ब्लड सेल्स की लाइफ भी शॉर्ट है, जस्ट 120 डेज है, उसके बाद फिर नए रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं इनको रिप्लेस करने के लिए। और उसके बाद फिर हमारे पास ऐसे सेल्स भी हैं जो कि मोनोन्यूक्लिएट हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के ज़्यादातर सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ आर बॉडी दे आर मोनोन्यूक्लिएट सेल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे स्मूथ मसल के सेल्स हैं दे आर मोनोन्यूक्लिएट। देन यू कैन हैव द बायन्यूक्लिएट सेल्स इज वेल। फॉर एग्जांपल, जैसे डाइकैरियोटिक हाइफी हैं तो उनके अंदर एक सेल के अंदर टू न्यूक्लियाई होते हैं, सो दे आर सॉर्ट ऑफ एग्जांपल ऑफ बायन्यूक्लिएट सेल्स। एंड देन वी कैन हैव द मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जैसे ये स्केलेटल मसल्स की सेल्स हैं, स्केलेटल मसल्स के सेल्स मल्टी न्यूक्लियर सेल्स हैं, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। सो नंबर के हवाले से हमारे पास कई तरह के सेल्स हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, ए न्यूक्लियर सेल्स। ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वन न्यूक्लियस है, मोनोन्यूक्लियर सेल्स। फिर ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें दो न्यूक्लियाई हैं, बायन्यूक्लियर सेल्स। एंड देन वी हैव गॉट द सेल्स विच हैव गॉट मेनी न्यूक्लियाई, जिसमें मल्टी न्यूक्लियर सेल्स आते हैं। सो अब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर के हवाले से न्यूक्लियस इज कंप्राइज्ड ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म।
अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इन टर्न इट्स कंप्राइज्ड ऑफ द न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमाटिन। अब हम इन एंटिटीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप बेसिकली दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन, राइट? डू यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? से अगर ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है जिसमें एक लिपिड बायलेयर है और डिफरेंट प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं इन अ मोज़ेक मैनर इन दैट लिपिड बायलेयर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये डबल मेम्ब्रेन है। सो अगर सेल मेम्ब्रेन ही को अगर आप दोहरा कर लेंगे तो जो मेम्ब्रेन बनेगी सॉर्ट ऑफ वो कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवेलप है। सो ये डबल मेम्ब्रेन है पहली बात, एंड सेकेंडली ये पोरस मेम्ब्रेन होती है। सो ये एक पैराडॉक्सिकल फैक्ट है अबाउट दिस मेम्ब्रेन कि इसके अंदर पोर्स है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स है और पोर्स वो पॉइंट्स हैं जहां पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन दे आर कंटिन्यूअस विद ईच अदर। अब जो पोर्स का काउंट है किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर या न्यूक्लियर एनवेलप पे वो हाईली वेरिएबल है, वो 3 से लेके इवन 30,000 तक पर न्यूक्लियस हो सकता है। अब जो पोर्स का काउंट है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जो नंबर ऑफ पोर्स हैं, जो काउंट है पोर्स का, नंबर ऑफ पोर्स ऑन द न्यूक्लियर एनवेलप, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ऐसे सेल्स जो कि मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पोर्स की तादाद होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, और ऐसे सेल्स जिनमें जो कि मेटाबॉलिकली इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, राइट, रिलेटिवली लेसर एक्टिव हैं, तो उनमें न्यूक्लियर पोर्स की जो तादाद होगी वो कम होगी। हम इस फोटोग्राफ में भी देख लेते हैं। सो हमारे पास ये देखें कि ये है जी न्यूक्लियर एनवेलप, और इस न्यूक्लियर एनवेलप में ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस की, ये दोनों जो मेम्ब्रेन हैं वो कंटिन्यूअस है विद ईच अदर, जिनको हम कह रहे हैं दीज आर द पोर्स। और उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट है जी न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एवरीथिंग एनक्लोज इन द न्यूक्लियर एनवेलप, हम उसको बोलेंगे ये क्या है, दिस इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक सेल है और इसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस है। अब वो रीजन जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में है इसको हम बोलते हैं दिस इज द साइटोप्लाज्म, और वो मटेरियल जो कि इनसाइड न्यूक्लियस है हम इसको बोलते हैं दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट? एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दे कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और इसमें ये जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है इवन ये भी चूंकि लिविंग मैटर है सेल का, सो इसको भी हम प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड करते हैं। हाँ, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है किसी सेल की, जैसे कि प्लांट सेल्स के केस में, चूंकि सेल वॉल लिविंग नहीं होती इसीलिए सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है। एनीवेज ये जस्ट एक कोरिलेशन था। अब हम फर्दर डिस्कशन करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के हवाले से। सो इट इंक्लूड्स न्यूक्लियोलस, क्रोमाटिन मटीरियल एंड सम मिसलेनियस सब्सटेंसेस। अब इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या मटेरियल होता है? इसमें नंबर वन, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा, मे बी एक या एक से ज़्यादा, और उसके बाद नंबर टू पे इसमें क्रोमाटिन मटेरियल है, और क्रोमाटिन मटेरियल वो मटेरियल है जो कि सेल डिवीजन स्टार्ट होने पे क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार करेगा, और उसके बाद फिर इसमें मिसलेनियस सब्सटेंसेस हैं जैसे कि आरएनए एंड राइबोसोम्स एटसेट्रा। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक कंप्यूटराइज फोटोग्राफ है न्यूक्लियस की। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियर एनवेलप है, यू कैन सीन हियर दिस इज अ न्यूक्लियर एनवेलप, और इस न्यूक्लियर एनवेलप में जो अंदर ये सारा का सारा मटेरियल एनक्लोज्ड है ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में इन टर्न और क्या क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक तो क्रोमाटिन नेटवर्क है विच विल टेक फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स व्हेन द सेल डिवीजन विल बिगिन। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगी तो ये क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, और उसके बाद फिर इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें सेकेंड जो कॉम्पोनेंट है दैट इज द न्यूक्लियोलस। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियस। इसमें अब आप एक चीज़ और भी नोट करें कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर डिफरेंट पोर्स भी इस फोटोग्राफ में विजिबल हैं। एंड हेयर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। स्टेटमेंट है जी क्वेश्चन की, हाउ मेनी लिपिड बाय लेयर्स आर क्रॉस्ड बाय अ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल व्हेन इट इज ट्रांसपोर्टेड आफ्टर सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू द साइटोप्लाज्म। जब एक मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में बनने के बाद वो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म तक आएगा,
तो वो कितनी वो ओवरऑल कह लें कि कितनी लिपिड बायलेयर्स को क्रॉस करेगा, यू सीन हियर, कितनी लिपिड बायलेयर्स को क्रॉस करेगा। तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन इज 2, बी ऑप्शन इज 4, सी ऑप्शन इज 8 एंड डी ऑप्शन इज 0। द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 0, राइट। आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 0 क्यों है, हालांकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एक डबल मेम्ब्रेन है। तो माई डियर स्टूडेंट, यू कैन सीन हेयर कि बेसिकली अगर फर्ज करें कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अगर दो लेयर्स हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन, तो इसमें वो पॉइंट्स जहाँ पे आउटर इनर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस हैं हम उनको पोर्स बोलते हैं। सो अगर यहाँ पे पोर है, तो अगर किसी चीज़ ने फर्ज करें मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल ने इस पोर में से गुजर के बाहर जाना है टू द साइटोप्लाज्म, तो इसको लिपिड लेयर्स को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी 0। नेशनल एमडी कैट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें। अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे। और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एमडी कैट। और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं अकेडमी गए बगैर, तो आप 50,000 से लेके 1,00,000 तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोलस को। अब न्यूक्लियोलस के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी 1 or more इन नंबर। अब किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलाई की तादाद है वो 1 से लेके कई हज़ार तक इवन समटाइम्स हो सकती है। एंड न्यूक्लियोलस इज बेसिकली द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। सिंथेसिस की बजाय अगर आप यहाँ पे असेंबली का वर्ड यूज़ करें तो ये और भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि बेसिकली हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं ये 2 मेजर कॉम्पोनेंट से बने होते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स ये 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स। तो राइबोसोमल आरएनए जो है ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में बनेगा, जबकि जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स ये दूसरी प्रोटीन्स की तरह ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के नतीजे में बनेंगी विद द हेल्प ऑफ द अदर राइबोसोम्स। सो और ये जो प्रोटीन्स हैं फिर इनको दोबारा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर पोर से गुजारते हुए इनको लाया जाएगा इनटू द न्यूक्लियस और फिर अल्टीमेटली ये जाएंगे टू द न्यूक्लियोलस। सो न्यूक्लियोलस वो साइट है बेसिकली जहाँ पे ये प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए इनको कंबाइन करके इसको राइबोसोम को असेंबल किया जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोलस इज साइट ऑफ द राइबोसोमल असेंबली। और उसके बाद फिर अब न्यूक्लियोलस के 2 एरियाज हैं। इसमें न्यूक्लियोलस का एक है जी पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया और दूसरे नंबर पे है सेंट्रल फिब्रिल एरिया। जो पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया है इट कंटेन्स प्रिकर्सर ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट्स, जबकि जो सेंट्रल फिब्रिल एरिया है इट कंटेन्स आरएनए एंड द राइबोसोमल डीएनए। सो अगर हम न्यूक्लियोलस को देखें तो न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर में एक तो पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया है, राइट, ये पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया है जिसके अंदर प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं या मैच्योरिंग राइबोसोम्स हैं यू कैन से। और उसके बाद फिर एक सेंट्रल फिब्रिल एरिया है जिसके अंदर आरएनए और राइबोसोमल डीएनए है। एग्जाम आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राइबोसोमल डीएनए इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द न्यूक्लियोलस, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल फिब्रिल एरिया। सिमिलरली एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि राइबोसोमल सब यूनिट्स या प्रिकर्सर्स ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स दे आर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द न्यूक्लियोलस, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया। सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोलस। एंड हियर आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है जी, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन डैश ऑफ द न्यूक्लियोलस। ए ऑप्शन इज पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया, बी ऑप्शन इज सेंट्रल ग्रैनुलर एरिया, सी ऑप्शन इज सेंट्रल फिब्रिल एरिया एंड डी ऑप्शन इज पेरिफेरल फिब्रिल एरिया। एंड वी नो दैट द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है।
And here I have got a wide range of questions for you people before proceeding further to the course of discussion of the nucleus. ये कुछ बड़े basic से questions हैं जो कि आपके बहुत सारे basic concepts को test करेंगे nucleus के हवाले से. So, इसमें हमारे पास जो options हैं, A option gene है, B option is nucleotide, C option is nucleosome, D option is DNA, E option is mesosome, and F option is amino acid. So, हमारी पहली statement है, smallest basic unit of heredity is. So, smallest basic unit of heredity. And the best response to this question is gene. Best response to this question is gene. And secondly, हमारे पास statement है basic functional unit of DNA. कि DNA का जो basic functional unit है, वो इनमें से कौन सी entity है? Again, the best response would be gene. So, DNA की जो main functioning है, that is because of the gene. So, gene ही basically DNA के functional units भी हैं. अब next statement है हमारे पास basic structural unit of nucleic acids. अब nucleic acids हमारे पास दो तरह के हैं, जैसे DNA भी है और RNA भी है. तो DNA और RNA इन दोनों के जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं दे आर द न्यूक्लियोटाइड्स. सो बीटा वुड बी द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन. अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज. बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम. अब क्रोमोसोम का बेसिक फंक्शनल यूनिट पूछा गया है, तो क्रोमोसोम का भी जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है एट द एंड ऑफ द डे दिस इज जीन. सो अल्फा वुड बी द बेस्ट रिस्पांस टू दैट क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम. अब इसका आंसर जीन हो सकता है? नो. अब इसका आंसर जीन नहीं है. ये क्रोमोसोम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है न्यूक्लियोसोम. यू नो कि स्ट्रक्चरल यूनिट वो होता है जिसके बार बार रिपीट होने से वो पर्टिकुलर एंटिटी बने. सो सिर्फ और सिर्फ जैसे जीन्स सिर्फ जीन्स के रिपीट होने से या सिर्फ डीएनए के रिपीट होने से या मेसोसोम या माइटोसिस के रिपीट होने से क्रोमोसोम नहीं बनेगा. हमें पता है कि क्रोमोसोम किस चीज़ से बना हुआ है. क्रोमोसोम्स ये डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है, राइट. सो इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा वो भी कोई ऐसी एंटिटी होगी जो कि डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी है. और न्यूक्लियोसोम हमें पता है कि न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर डीएनए और प्रोटीन दोनों मौजूद हैं. सो न्यूक्लियोसोम वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी मटीरियल. अब इनमें से हेरिडिटरी मटीरियल कौन सा है? एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा. डीएनए इज द हेरिडिटरी मटीरियल. एटलीस्ट दिस इज ट्रू इन मोस्ट ऑफ द केसेस. कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी. फॉर एग्जाम्पल वायरसेस में समटाइम्स आरएनए इज द हेरिडिटरी मटीरियल इंस्टेड ऑफ द डीएनए. जनरली स्पीकिंग बायोलॉजी में डीएनए ही हेरिडिटरी मटीरियल है, लेकिन कुछ आरएनए वायरसेस में आरएनए हेरिडिटरी मटीरियल के तौर पे एक्ट करता है. और इसके अलावा फिर प्रियॉन्स आपने स्टडी की होंगी, तो जो प्रियॉन्स हैं, प्रियॉन्स इज द ओनली टाइम इन बायोलॉजी वेयर यू वुड सी कि करेक्टरिस्टिक्स के लिए कोडिंग जो है वो प्रोटीन्स के पास है ना कि डीएनए के पास है, राइट. सो ये मेजर एक्सेप्शन ही. अदरवाइज जनरली स्पीकिंग डीएनए इज द हेरिडिटरी मटीरियल. अब नेक्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स इज. अब प्रोटीन्स किस यूनिट के रिपीट होने से बनी हुई है? ऑफ कोर्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अमीनो एसिड्स. सो अमीनो एसिड्स के रिपीट होने से ही प्रोटीन्स बनती हैं. सो अमीनो एसिड्स आर टू प्रोटीन्स एज ब्रिक्स आर टू अ बिल्डिंग. रिलाय ऑन योर ओन टेक्स्टबुक्स एंड topgrade.bk ओनली. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं. जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं. सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती. हमने topgrade.bk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और topgrade के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने का की जरूरत ना हो. सो रिलाय ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स. अब जिस भी प्रोविंस से है रिलाय ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.bk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें topgrade में मौजूद है. और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं. सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमेटिन. अब क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन बेसिकली इज अ मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस
विच टेक्स फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स व्हेन द सेल डिवीजन बिगिन्स। जब सेल डिवीजन शुरू होगी वो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जो कि क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार करेगा, हम उसको बोलते हैं दिस इज क्रोमाटिन। अब जो क्रोमाटिन है इसको हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड और नॉट। अब वो क्रोमाटिन जो कि ट्रांसक्राइबेबल क्रोमाटिन होता है हम इसको यू क्रोमाटिन भी कहते हैं। और यू क्रोमाटिन क्यों ट्रांसक्राइबेबल है? बिकॉज दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द क्रोमाटिन। इसके मुकाबले में अब वो क्रोमाटिन जो कि ट्रांसक्राइब नहीं किया जा सकता तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमाटिन। और इसको क्यों ट्रांसक्राइब नहीं किया जा सकता? बिकॉज दिस इज़ वेरी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमाटिन। अब जस्ट इमेजिन करें कि मेरे दोनों ये जो हैंड्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रोमाटिन को। सो इसमें ओवरऑल हेट्रोक्रोमाटिन भी है और यू क्रोमाटिन भी है। सो जस्ट देखें कि मैं आपको हेट्रोक्रोमाटिन और यू क्रोमाटिन को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करा के दिखाता हूँ। सो यू जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द यू क्रोमाटिन, राइट? यू क्रोमाटिन ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द क्रोमाटिन है और इसके एक्सटेंडेड होने की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है इट कैन कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द जीन्स और उनको ट्रांसक्राइब ये फिर आरएनए पॉलीमरेज कर सकता है। इसके मुकाबले में जो हेटरोक्रोमाटिन है ये कंडेंस या टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमाटिन है। सो जो आरएनए पॉलीमरेज है इट वुड नेवर बी एबल टू गो टू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ जीन्स, दैट्स व्हाई इट वुड नेवर बी एबल टू ट्रांसक्राइब दोज जीन्स, राइट? सो इसीलिए ये नॉन ट्रांसक्राइबेबल फॉर्म ऑफ द क्रोमाटिन है, राइट? सो हमारे पास ये दो मेजर टाइप्स आ गई क्रोमाटिन की। सो यू क्रोमाटिन इज ट्रू क्रोमाटिन, एंड व्हाई इट इज ट्रू क्रोमाटिन? बिकॉज इट इज ट्रूली ट्रांसक्राइब्ड। एंड हेट्रोक्रोमाटिन इन अ सेंस ये फॉल्स क्रोमाटिन है। सो ये हेट्रोक्रोमाटिन है, ये ट्रांसक्राइब नहीं किया जा सकता। सो इट इज द नॉन ट्रांसक्राइबेबल क्रोमाटिन। अब यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इंसुलिन जीन हमारी बॉडी में किन सेल्स में प्रेजेंट है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज इन ऑलमोस्ट ऑल दी सेल्स, राइट? इंसुलिन जीन हमारी बॉडी के तकरीबन सभी सेल्स में प्रेजेंट है। फिर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इंसुलिन जीन सब सेल्स में प्रेजेंट है तो फिर हर सेल इंसुलिन बनाने की सलाहियत क्यों नहीं रखता? लेट मी एक्सप्लेन दिस फैक्ट टू यू पीपल। अब जस्ट इमेजिन करें कि मेल की तरफ से स्पर्म आया और फीमेल की तरफ से एग आया और इन दोनों के मिलने से जाइगोट बना जो कि जस्ट वन सेल है। और उसके बाद फिर जाइगोट की रिपीटेड डिवीजन से अल्टीमेटली डेवलपमेंट के नतीजे में अडल्ट लाइक इंडिविजुअल बनता है। अब ये जो अडल्ट लाइक इंडिविजुअल है इसमें ग्रॉसली 60 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल उन 60 ट्रिलियन सेल्स में से हर एक सेल जो है वो अल्टीमेटली इसी एक सेल जाइगोट से ही आया हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि उन सारे के सारे सेल्स का जो बेसिक जेनेटिक मेकअप है सेम है, यानी कि उन सब के अंदर जो जीन्स हैं वो भी सेम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो डिफरेंट सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट क्यों है? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अल्टीमेटली डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंशिएट हो जाते हैं और उसके नतीजे में आप कह लें कि जो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट जीन्स हैं वो यू क्रोमाटिन या हेट्रोक्रोमाटिन में चली जाती हैं। सो अगर हम इंसुलिन जीन की बात करें कि क्यों बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज इंसुलिन बना पाते हैं जबकि और बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो इंसुलिन नहीं बना पाते, क्योंकि बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन जीन यू क्रोमाटिन के अंदर प्रेजेंट है। इसके मुकाबले में जो बाकी जितने भी सेल्स हैं उन सब में इंसुलिन जीन मौजूद तो है लेकिन वो हेट्रोक्रोमाटिन में है, इसलिए वो ट्रांसक्राइबेबल नहीं है। अगर वो जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती लिहाजा वो ट्रांसलेट भी नहीं हो सकती, लिहाजा जो सेल्स जिन सेल्स में इंसुलिन जीन हेट्रोक्रोमाटिन में है ऑल दी सेल्स अदर देन द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, सो उनके अंदर इंसुलिन नहीं बनेगी। सो ये यू क्रोमाटिन और हेट्रोक्रोमाटिन के कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़े से सिंपलर वे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट मी टेल यू अ लिटिल स्टोरी। जस्ट इमेजिन करें You have got a cat. You have got a cat, and then you have got a hen, and then you have got the chicks. Right? आपके पास ये cat है, hen है और chicks है. So cat, if the cat is around, right? If the cat is around, लेकिन मुर्गी जो है, ये मुर्गी की presence में क्या होगा? मुर्गी चूजों को इकट्ठा करके रखेगी. सो हैन ये जब बिल्ली मौजूद होगी तो हैन क्या करेगी? ये चिक्स को इकट्ठा करके रखेगी। सो इसलिए हैन की प्रेजेंस में जो कैट है, कैट इज नॉट एबल टू अटैक द चिक्स, राइट? सो अब यहां पे हमारी स्टोरी के अंदर कैट क्या है? कैट इज बेसिकली द
आरएनए पॉलीमरेज राइट। और उसके बाद फिर हैन हमारी स्टोरी में क्या है, हैन इज बेसिकली अ स्पेसिफिक एच प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन है ये। और उसके बाद फिर चिक्स हमारी स्टोरी में क्या है, चिक्स आर बेसिकली जीन्स राइट। सो जस्ट इमेजिन करें कि अगर हैन एब्सेंट होगी, अगर हैन एब्सेंट होगी, इफ़ यू विल नॉट बी हैविंग द हैन ऑन द बोर्ड, तो जो कैट है ये चिक्स को अटैक कर सकती है। अब कैट इन द एब्सेंस ऑफ हैन चिक्स को अटैक कर सकती है। सो इसी तरह से अब क्रोमेटिन में भी एक एच प्रोटीन होती है, अगर वो एच प्रोटीन प्रेजेंट होगी तो जीन्स जो है वो टाइटली पैक्ड होंगी और आरएनए पॉलीमरेज इट वुड नेवर बी एबल टू ट्रांसक्राइब द जीन्स। लेकिन अगर वो एच प्रोटीन एब्सेंट होगी तो आरएनए पॉलीमरेज वो लूजली पैक्ड जीन्स को जाके ट्रांसक्राइब कर सकेगा, जिसकी वजह से वो फिर एक्सप्रेस हो सकेंगी राइट। सो जो ये जो एच प्रोटीन है, दिस एच प्रोटीन इज एब्सेंट इन द यूक्रोमेटिन, इट्स एब्सेंट इन द यूक्रोमेटिन वाइल दिस इज प्रेजेंट इन द हेट्रोक्रोमेटिन। और इस स्पेसिफिक एच प्रोटीन की प्रेजेंस ही की वजह से जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये कंडेंस्ड होता है। सो बॉटम लाइन पॉइंट ऑफ माई डिस्कशन इज यूक्रोमेटिन इज ट्रू क्रोमेटिन, एंड वाई इट इज ट्रू क्रोमेटिन, बिकॉज इट इज ट्रूली ट्रांसक्राइब्ड। एंड देन हेट्रोक्रोमेटिन, दिस इज नॉट ट्रू क्रोमेटिन, क्योंकि वो सारी जीन्स जो कि हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर होंगी वो ट्रांसक्राइब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन है। सो हेयर वी हैव गॉट अ कंप्यूटराइज फोटोग्राफ जो कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के कॉन्सेप्ट को फर्दर रीइन्फोर्स कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन के केस में जो डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स हैं ये वेरी टाइटली पैक्ड हैं। अब इसके सिनेरियो में आरएनए पॉलीमरेज के लिए बड़ा डिफिकल्ट है कि वो डिफरेंट जीन्स की प्रॉक्सिमिटी में जाए और उनको जाके ट्रांसक्राइब करें। इसके मुकाबले में जो यूक्रोमेटिन है, इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम्स जो हैं ये लूजली पैक्ड हैं। सो आरएनए पॉलीमरेज इस लूजली पैक्ड क्रोमेटिन के में जीन्स की प्रॉक्सिमिटी में जाके जीन्स को ट्रांसक्राइब कर सकता है। सो यूक्रोमेटिन इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज अ टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रोमोसोम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब जो क्रोमोसोम्स हैं ये बने होते हैं डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। और इसमें अब देखें कि ये जो डीएनए है, डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल, जबकि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसोम। इसलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, न्यूक्लियोसोम दे कॉन्स्टिट्यूट, दे आर एक्चुअली द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम्स। अगर हम एक न्यूक्लियोसोम को देखें तो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर, न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में बेसिकली ये एक हिस्टोन ऑक्टामियर होती है और उसके बाद उसके ऊपर भी टू टर्न्स होते हैं इसके डीएनए के। देयर आर टू टर्न्स ऑफ डीएनए ऑन दैट हिस्टोन ऑक्टामियर। और फिर इसी एक यूनिट के बार बार रिपीट होने से ये क्रोमोसोम बना होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, तो जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि न्यूक्लियोसोम है, हर न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। इसमें से हमारे पास ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन इज 23, ई ऑप्शन है 46 एंड एफ ऑप्शन है काउंटलेस। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट है जी, देर आर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इन अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में डीएनए के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? सो व्हाट डू यू थिंक, एक क्रोमोसोम में डीएनए के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज ओनली 1। एक क्रोमोसोम में डीएनए का जस्ट एक मॉलिक्यूल होता है। अभी आगे चल के इसको हम डिस्कस भी करते हैं कि ऐसा क्यों है और कैसे है। एंड देन वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन, देयर आर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इन अ ह्यूमन स्पर्म। तो अगर एक क्रोमोसोम में जस्ट एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये हुआ कि एक टिपिकल सोमैटिक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। तो डीएनए के मॉलिक्यूल्स कितने हुए? वो भी 46। तो जो स्पर्म है, ऑफ कोर्स स्पर्म ये हैप्लॉइड सेल है, तो स्पर्म के अंदर जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे? ऑफ कोर्स दे वुड बी 23 देन। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज डेल्टा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देर आर हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इन अ ह्यूमन सोमैटिक सेल। सो ह्यूमन सोमैटिक सेल में उतने ही डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे जितने के उसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, विच इज 46। सो ई इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन।
जैसे ही आप अपनी toplet.pk की ब्राउजर ऐप में लॉग इन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकेंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपनेट के, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जेक्टिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया, इसको यहाँ से प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहां से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शंस पे ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक बार मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, सो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें, से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ, तो इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। सो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से पीसीओ तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे, जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चंस उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने toplet.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चंस का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चंस के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए थे, उन रॉन्ग 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चंस को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया था उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चंस उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, या अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब यह है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चंस का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर आप गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चंस देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। आप किसी भी टैग पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चंस वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शंस को चूज करूँ तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने दो सेक्शन को चूज किया, इसमें से मैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सब सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ वो मैं दे सकता हूँ, या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्ट्रीम, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया, अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली है तो वो भी आप देख सकते हैं।
इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह, यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। Alright. So, इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स रियल नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है, यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इंटरफेल पे इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें एक दो वीडियो रिव्यूज हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो है वो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है, इसमें 90 डेज 60 डेज 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका एक महीने के बाद एग्जाम है ऑफकोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे, अगर आपके एग्जाम में दो हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके सो दिस वाज अबाउट टॉप ग्रेड डॉट बीके। अब लास्ट में मैं आपको यही कह के अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहूंगा कि देर ना करें, अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज। सो यहाँ पे इस फोटोग्राफ के जरिए मैं जो क्रोमोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास ये क्रोमोसोम्स हैं, सो दिस इज अ क्रोमोसोम हेयर। अब इस क्रोमोसोम के एक छोटे से सेगमेंट को एनलार्ज करके हम देख रहे हैं तो इसके अंदर हमें ये सुपर कॉइलिंग नजर आ रही है। फिर इस सुपर कॉइल में से एक छोटा सा सेगमेंट हम फर्दर अगर एनलार्ज करके देखते हैं तो उसके अंदर फर्दर हमें कॉइलिंग नजर आ रही है, इवन सुपर कॉइल के अंदर हमें कॉइलिंग नजर आ रही है। फिर हम अगर किसी कॉइल को लेके उसको एनलार्ज करके देखते हैं फर्दर उसको एनलार्ज करके देखते हैं तो अल्टीमेटली वी विल फाइंड कि ये जो कॉइल है इवन ये किससे बना हुआ है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स के बार बार रिपीट होने से ये वाला जो कॉइल है ये बना हुआ है। सो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं ये ओवरऑल बार बार रिपीट हो रहे हैं जिससे अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी नोटिस करने वाली है और वो ये है कि हर न्यूक्लियोसोम में देख सकते हैं कि एक सेंट्रल कोर है हिस्टोन प्रोटीन्स की और उसके बाद फिर एक उसके ऊपर टू टर्न्स है डीएनए के। सो डीएनए एंड सेंट्रल हिस्टोन कलेक्टिवली दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द न्यूक्लियोसोम। लेकिन इसमें एक और बहुत ही अहम पॉइंट है इस फोटोग्राफ में नोट करने वाला और वो ये है कि भले न्यूक्लियोसोम्स बहुत सारे हैं, काउंटलेस नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स हैं जिनके रिपीट होने से क्रोमोसोम बनता है, लेकिन एक क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो जस्ट एक है। बेसिकली ये एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि सारे न्यूक्लियोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होगा। सो देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद वन क्रोमोसोम।
और फिर इसी एक डीएनए मॉलिक्यूल के डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, और हम उन सेगमेंट्स को नाम देते हैं किसका, हम उन सेगमेंट्स को जीन्स का नाम देते हैं, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कई दफ़ा सेवरल थाउजेंड जीन्स भी हो सकती हैं। सो दिस इज़ अ कंप्यूटर फोटोग्राफ, कंप्यूटराइज फोटोग्राफ विच इज़ एक्चुअली टेंडिंग टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम, या न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को फर्दर इलेबोरेट करने के लिए ये फोटोग्राफ है। एंड यू कैन सीन हेयर, इस फोटोग्राफ में आपको ये जो रेडिश डिस्कलरेशन के ये जो एंटिटीज नज़र आ रही हैं, बेसिकली देर कॉन्स्टिट्यूटिंग द हिस्टोन ऑक्टामियर्स, राइट। सो न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में ये हिस्टोन ऑक्टामियर है, और हर हिस्टोन ऑक्टामियर जो है वो रैप्ड है बाय द टू टर्न्स ऑफ डीएनए। सो यू कैन सीन हेयर, ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये हर हिस्टोन ऑक्टामियर पे टू टर्न्स हैं डीएनए के, और ये जो दो टर्न्स हैं ये भी एक और डिफरेंट हिस्टोन प्रोटीन है। इस हिस्टोन प्रोटीन ने इन टू टर्न्स को इसके ऊपर स्टेबलाइज भी किया हुआ है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फीचर आप देख सकते हैं कि भले न्यूक्लियोसोम्स डिफरेंट हैं, सो दिस इज वन न्यूक्लियोसोम एंड दिस इज अनदर न्यूक्लियोसोम एंड दिस वन इज अनदर न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम्स डिफरेंट भी हैं लेकिन एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर ही रैप्ड है। और हमने इसको भी डिस्कस किया था कि बेसिकली एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ऑफ कोर्स उसके अंदर मे बी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होगा जो कि कॉन्टिन्यूस होगा, और वही एक ही डीएनए मॉलिक्यूल डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स, डिफरेंट हिस्टोन ऑक्टामियर्स के ऊपर रैप्ड होगा और डिफरेंट न्यूक्लियोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को फर्दर प्रोसीड करें, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एंड हेयर वी हैव गॉट फ्यू ऑप्शंस, जैसे कि ए ऑप्शन है टेलोसेंट्रिक, बी ऑप्शन इज एक्रोसेंट्रिक, सी ऑप्शन इज सब मेटासेंट्रिक एंड डी ऑप्शन इज मेटासेंट्रिक। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट आर्म इज फीचर ऑफ विच क्रोमोसोम। अब एक आर्म शॉर्ट है और एक आर्म लॉन्ग है, दिस इज द फीचर ऑफ द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, बेस्ट रिस्पॉन्स इज बीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, विच क्रोमोसोम्स हैव आर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ। ऑलमोस्ट इक्वल या इक्वल अगर होगा तो इसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा, इट हैज टू बी द मेटासेंट्रिक। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, क्रोमोसोम्स हैविंग सेंट्रोमियर एट वन एंड। अब ऐसे कौन से क्रोमोसोम्स हैं जिनमें सेंट्रोमियर एक एंड पे होती है, सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और फिर लास्ट पे है क्रोमोसोम्स हैविंग अनइक्वल आर्म्स। अब जो अनइक्वल आर्म्स होंगे वो होंगे सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम्स के। सो अभी बर्डिस के हवाले से हम एक फ्लो शीट भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके ज़रिए हम ये जो क्रोमोसोम्स के डिफरेंट शेप्स हैं इनको भी क्लियर करते हैं। सो यू कैन सी हियर, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी की बेस पे जो क्रोमोसोम्स हैं इनको हमने फोर मेजर टाइप्स में डिवाइड किया है। वी हैव गॉट द फर्स्ट टाइप द टेलोसेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक है, फिर सब मेटा और फिर मेटासेंट्रिक है। अब मैं आपको हर एक क्रोमोसोम की टाइप के लिए एक बेसिक कीवर्ड दूंगा, और ये वो वर्डिंग है जो कि एग्जाम में अपीयर होती है। लाइक अगर वो आपको कहते हैं कि सेंट्रोमियर एट वन एंड है, इट हैज टू बी द टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जैसे अब इस केस में देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर एक ही एंड के ऊपर है, टेलोसेंट्रिक। अब इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट है कि एक्रोसेंट्रिक के अंदर वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म है, राइट। सो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक आर्म लॉन्ग है और एक आर्म यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट है, सो वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म, ये है फॉर द एक्रोसेंट्रिक। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा कि ये आर्म है, क्रोमेटिड नहीं है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि एक्रोसेंट्रिक अगर क्रोमोसोम होगा तो इसके अंदर दो क्रोमेटिड्स हैं, नो, दिस इज ओनली वन क्रोमेटिड। एक अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में हमेशा एक ही क्रोमेटिड होता है, हाँ उसके के आर्म्स जो हैं वो दो हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक शॉर्ट आर्म है और एक लॉन्ग आर्म है। और थर्ड नंबर पर हमारे पास है जी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब इनके अंदर जो आर्म्स होते हैं वो उनकी अनइक्वल लेंथ होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट लेंथ वाला और ये एक बहुत लेंथी ये हमारे पास आर्म है, सो अनइक्वल इसके अंदर आर्म्स हैं। सो यू कैन सीन है ये भी अगेन सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम है। और उसके बाद फिर अगर आर्म्स इक्वल हैं और या ऑलमोस्ट इक्वल हैं, दोनों कीवर्ड में से कोई भी अगर एग्जाम में पेयर हो, इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के अगर क्रोमोसोम्स होंगे जिनके अंदर आर्म्स इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के होंगे, हम इसको बोलेंगे दिस इज द मेटासेंट्रिक। इसको याद रखने का एक और सिंपल तरीकाकार भी है, आप इसको टॉसम से याद रख सकते हैं, टी ए एस एम, टॉसम, राइट। सो तरतीब से इन द टेलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर वन एंड पे है, एक्रोसेंट्रिक में एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आर्म है, सब मेटा में आर्म्स ऑफ अनइक्वल लेंथ है, मेटा में इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ के आर्म्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं,
राइट right? ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं जेनेटिक्स के, उनको टेस्ट करने के लिए स्टेटमेंट्स हैं। और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे हर स्टेटमेंट के बारे में ये बताएंगे कि वेदर ये राइट है या रॉन्ग है। सो स्टे इंटरेक्टिव विद मी। आप स्क्रीन की उस तरफ बैठे हुए आप हर एक स्टेटमेंट के लिए अपनी तरफ से आंसर करने की कोशिश करें कि ये राइट है या रॉन्ग है। और अल्टीमेटली जब बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी आपके माइंड में एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स थ्रू द कोर्स ऑफ रेस्ट ऑफ माई लेक्चर, आई विल ट्राई टू फिक्स दोज कन्फ्यूजन्स। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेटमेंट है, सिस्टर क्रोमेटिड्स इसेंशियली हैव गॉट सेम जीन्स एट सेम लोकाई। सिस्टर क्रोमेटिड्स इसेंशियली हैव गॉट सेम जीन्स एट सेम लोकाई। व्हाट डू यू थिंक, ये राइट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है? राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों है आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इसेंशियली हैव गॉट सेम जीन्स एट सेम लोकाई। पहले बात हो रही थी सिस्टर क्रोमेटिड्स की कि इनके अंदर सेम लोकाई पे सेम जीन्स है सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब बात किसकी हो रही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की, कि इनके अंदर भी सेम जीन्स है एट सेम लोकाई। सो ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप रॉन्ग हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी राइट है। इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, सिस्टर क्रोमेटिड्स इसेंशियली हैव गॉट सेम अलील्स एट सेम लोकाई। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेम लोकाई पे सेम अलील्स हैं, तो ये स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इसेंशियली हैव गॉट सेम अलील्स एट सेम लोकाई। अब यहां पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ओके और इसेंशियली हैव गॉट सेम अलील्स, भाई सेम अलील्स हो तो सकती हैं, लेकिन इसेंशियली का जो वर्ड इसके अंदर आ गया है वो इसको स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, क्योंकि अलील्स सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इसको भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और स्टेटमेंट है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मे हैव गॉट सेम अलील्स एट सेम लोकाई। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनके अंदर सेम लोकाई पे सेम अलील्स हो सकती है। यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज किया गया है, मे हैव, राइट। या इससे अगली जो स्टेटमेंट है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मे हैव गॉट डिफरेंट अलील्स एट सेम लोकाई। हाँ, अगर मे का वर्ड यूज होता है, अलील्स सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेम लोकाई पे अलील्स मे बी सेम मे बी डिफरेंट। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि इसेंशियली सेम है या इसेंशियली डिफरेंट है, दोनों बातें गलत हो जाएंगी। हाँ, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, ये दोनों बातें फिर ठीक हो जाएंगी। सो इनको हम आगे चल के फर्दर डिटेल से भी डिस्कस करते हैं। सो ये अब हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट आ गया है डुप्लीकेटेड और अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का। तो इसमें आप देखेंगे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि फुल सेट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। कि इंटरफेज की एस फेज में फुल सेट सिस्टर क्रोमेटिड्स का बन जाता है। इसको आगे चल के एक फोटोग्राफ की मदद से भी हम क्लियर करेंगे। बहरहाल फिलहाल आप ये देखें कि जो क्रोमोसोम्स हैं बेसिकली ये दो तरह के हो सकते हैं। वी कैन हैव द अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स ऑन बोर्ड and then we can have the duplicated chromosomes. और इनके ये numbers हैं, ये numbers at the moment मैं आपको ये चाहता हूँ कि numbers को आप memorize कर लें, आगे चल के मैं आपको इनकी understanding develop करने के लिए कुछ photographs भी दिखाऊंगा, फिर इन्हीं numbers की understanding भी develop हो जाएगी। Remember dear students, biology में बहुत सारा stuff ऐसा है जिसको memorize करना पड़ता है, I agree with that. But your memory should also be powered by your understanding. Ununderstood memorized learning decays with time. Develop a habit of understanding the stuff. This is critically important for you people. अगर आपने चीज़ों को समझ के याद किया हुआ है then वो life long आपके mind में retain रहती हैं। तो बहरहाल इसमें आप देखिए unduplicated chromosomes के अंदर एक centromere है और एक ही क्रोमेटिड होगा। हाँ, उसके दो आर्म्स होते हैं जनरली, लेकिन अगर कोई क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड, अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम से मुराद क्या है, जैसे ये एक अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है और उसके बाद फिर अगर हमारे पास डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, से दिस इज अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर है, दो उसके अंदर क्रोमेटिड्स हैं और फिर उसके अंदर फोर आर्म्स। आप देख सकते हैं कि एक सेंट्रोमियर है, दो क्रोमेटिड्स हैं, राइट, और फिर इसके टोटल 1, 2, 3 and 4 आर्म्स हैं। यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है और फिर एक ही क्रोमेटिड है और इसके एक और दो ये आर्म्स हैं। सो ये नंबर्स मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें, एग्जाम कैन टेस्ट दीज नंबर्स इन डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे आप देखें
कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है लेफ्ट साइड पे, ये एक अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, और ये अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ऑफ कोर्स जब ये रिस्पेक्टिव सेल, फर्स्ट करें कि ये एक माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल है, और जब ये वाला जो सेल है ये इंटरफेज में होगा, और इंटरफेज के एस फेज से जब ये गुजरेगा तो अल्टीमेटली एस फेज के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पर रेप्लिकेशन से मुराद डीएनए की रेप्लिकेशन है, एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, एस फेज ऑफ द इंटरफेज, ऑफकोर्स ये डुप्लीकेशन इट टेक्स प्लेस राइट, और इसमें एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। सो ये क्रोमोसोम हो गया डुप्लीकेट। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स के बारे में एक बात याद रखिएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, सिस्टर क्रोमेटिड्स दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये बिल्कुल हू एक जैसे हैं, यानी कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, 100% सेम, जिसका ये मतलब भी है दे वुड बी हैविंग द सेम जीन्स आर सेम लोकाई एज वेल एज द सेम अलील्स आर सेम लोकाई राइट। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि अगर यहाँ पे फर्ज करें कि एक क्रोमेटिड के ऊपर अगर कैपिटल टी है और दूसरे क्रोमेटिड पे सेम लोकस के ऊपर भी लाजमी तौर पे कैपिटल टी होगा, और ये दोनों ही सेम लोकाई पे देखें जीन्स तो हैं ही सेम, सो जीन्स तो सेम ही हैं, दोनों हाइट की जीन्स हैं, लेकिन अलील्स भी 100% सेम हैं, क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टर क्रोमेटिड्स, सो एस फॉर सिस्टर एंड एस फॉर सेम जीन्स एंड सेम अलील्स, रिमेंबर दिस। उसके बाद अब हम देखते हैं एक और सिनेरियो देखते हैं, फर्स्ट करें कि हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर, ये क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 है राइट, क्रोमोसोम का ये पेयर नंबर फर्स्ट करें कि 1 है, जस्ट इमेजिन, और हम कहते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इफ दिस आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, अब देखें कि अगर रेप्लिकेशन होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो ओवरऑल ये क्रोमोसोम अगर रेप्लिकेट होंगे तो इसमें देखिए एक ही पेयर के अगर दोनों मेंबर्स रेप्लिकेट हो गए राइट, एक ही पेयर के दोनों मेंबर्स में अगर डीएनए रेप्लिकेशन हुई है तो इसके नतीजे में अगेन देखेंगे हर क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, हर क्रोमोसोम फर्ज करें कि ये जो दो हैं आपस में, ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन ये दोनों भी आपस में सिस्टर हैं, लेकिन ये दोनों सिस्टर्स आपस में क्या है, दीज आर नॉन सिस्टर्स राइट। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कौन से होते हैं, देखें याद रखें कि सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर इसलिए कहते हैं दे आर अटैच्ड टू द सेम सेंट्रोमियर, देखें ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्यों, क्योंकि सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड हैं राइट। सिमिलरली ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्यों, क्योंकि ये भी सेम सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, लेकिन एक ही होमोलोगस पेयर के अंदर वो क्रोमेटिड्स जो सेम सेंट्रोमियर से अटैच ना हो उनको बोलते हैं दीज आर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। अब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेम लोकाई पे जीन्स तो हमेशा सेम होंगी, मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि इधर अगर हाइट की जीन है तो इधर भी सेम लोकस के ऊपर हाइट ही की जीन होनी चाहिए राइट। सो लेट मी इरेज द इंक ताकि इसको मैं फर्दर भी क्लियर कर सकूं। अब देखें कि अगर फर्ज करें कि इधर अगर अगर इधर फर्ज करें कि कैपिटल टी है तो यहाँ पे भी कैपिटल टी है, लेकिन यहाँ पे मे बी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी स्मॉल टी होगा क्योंकि सेम जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके ऊपर अलील्स भी सेम होनी है, लेकिन देखेंगे अगर फर्ज करें कि इधर कैपिटल टी है और इधर फर्ज करें कि सेम लोकस के ऊपर स्मॉल टी है तो ये दोनों अलील्स तो हाइट की जीन की ही है ना, तो लिहाजा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में सेम लोकाई पे जीन्स हमेशा सेम होंगी, अलील्स मे बी सेम मे बी डिफरेंट, अलील्स सेम भी हो सकती हैं, अलील्स डिफरेंट भी हो सकती हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टर एंड द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसमें यहां पे देखें कि वंस अगेन थोड़ा सा ओवरऑल अपने माइंड को न्यूट्रलाइज करके थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को रिकॉल करें कि याद करें कि जब एक बेबी डेवलप होता है तो किस तरह से होता है। सो इसमें मेल की तरफ से स्पर्म आता है और फीमेल की तरफ से एग आएगा, दोनों के मिलने से जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर डिवीजंस होंगी, अल्टीमेटली इसी की डिवीजन से अडल्ट लाइक इंडिविजुअल बन जाएगा, और हर सेल जो कि अडल्ट के अंदर है एट द एंड ऑफ द डे वो इसी एक जाइगोट से ही आया हुआ है। इसका मतलब है सारे सेल्स का बेसिक जेनेटिक मेकअप है वो सेम है। और ये भी आप देखें कि इसमें अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 23 क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से आए थे और 23 क्रोमोसोम्स मदर की तरफ से आए थे। सो जिसका मतलब ये हुआ कि हर एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर एक मेंबर पेटर्नल होगा जो कि फादर की तरफ से आया होगा और एक मेंबर मटर्नल होगा जो कि मदर की तरफ से आया होगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखें कि ये फर्ज करें कि ये है से पटर्नल क्रोमोसोम है और ये वाला जो है फर्ज करें कि ये मटर्नल क्रोमोसोम है।
तो इन दोनों की जब डुप्लीकेशन होगी, से मेटरनल और पैटरनल क्रोमोसोम जब दोनों डुप्लीकेट हुए, तो अब ये एज अ रिजल्ट ऑफ डुप्लीकेशन हमारे पास क्या बने हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन अब अगर हम मेटरनल और पैटरनल क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स को आपस में रिलेट करेंगे तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। आई होप कि अब आपके माइंड में ये जो सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का कॉन्सेप्ट है ये इफेक्टिवली क्लियर हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्रोमोसोम्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं विद द सेल साइकिल, क्योंकि कई दफ़ा एग्जाम क्वेश्चंस पूछता है आपसे कोरिलेशन के, जिसमें वो क्रोमोसोम्स के काउंट का या क्रोमोसोम्स के अंदर सिस्टर या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का या नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स के जो कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर रहा होता है विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एट द एंड ऑफ द एस फेज ऑफ द इंटरफेज ईच क्रोमोसोम वुड बी हैविंग हाउ मेनी क्रोमेटिड्स, राइट। या इसी तरह से एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि एक सेल अभी अभी अगर माइटोसिस के नतीजे में बना है, उसमें क्रोमोसोम्स किस शक्ल में होंगे, डुप्लीकेटेड या अनडुप्लीकेटेड, या क्रोमोसोम्स व्हेन द सेल एंटर्स इनटू द एस फेज उस वक्त क्रोमोसोम किस शक्ल में है, या ओवरऑल जब सेल एस फेज से जी टू फेज में जाएगा उस वक्त क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड है या अनडुप्लीकेटेड, एंड सो ऑन। इस तरह से कई वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपको ये क्रॉस लिंक दे रहा हूँ। ऑफकोर्स सेल साइकिल को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे जब हम ओवरऑल डिवीजंस को स्टडी करेंगे, माइटोसिस मियोसिस वगैरह को, उस वक्त सेल साइकिल को भी हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी हम कोरिलेट करते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि ओवरऑल ये सेल साइकिल को एक कंप्यूटराइज फोटोग्राफ के जरिए आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है। इसमें हमारे पास यहाँ पे सेल है जो कि जस्ट अभी अभी माइटोसिस के नतीजे में बने हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सेल में ये जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ये अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में है, राइट। सो ये जस्ट एक पेयर दिखाया गया है आपको। सो सेल जब G1 फेज में होगा, राइट, इसमें क्रोमोसोम अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में है, और G1 फेज से जब सेल S फेज में जाएगा तो ड्यूरिंग द S फेज चूंकि DNA रेप्लीकेशन हो रही है, सो जो DNA की रेप्लीकेशन है वो S फेज में होती है। सो S फेज ही बेसिकली वो फेज है जिसके दौरान सिस्टर क्रोमेटिड्स बनेंगे। सो अगर आपसे पूछा जाए कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज, योर बेस्ट रिस्पांस वुड बी एस फेज। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिस्टर क्रोमेटिड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच फेज, अगेन योर बेस्ट रिस्पांस वुड बी एस फेज, राइट। सो आप देखें कि यहाँ पे क्रोमोसोम अनडुप्लीकेटेड शक्ल में है और यहाँ पे फिर क्रोमोसोम्स जो है हमारे पास ये डुप्लीकेटेड फॉर्म में आ गए हैं। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आफ्टर एस फेज ईच क्रोमोसोम इज कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी क्रोमेटिड्स, सो यू कैन सीन हियर एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड से बना है। अगर आपसे पूछा जाए कि आफ्टर एस फेज ईच होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड बी कंप्राइज्ड ऑफ हाउ मेनी क्रोमेटिड्स, आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 पूरे पेयर के अंदर भी टोटल 4 क्रोमेटिड्स होंगे, एंड सो ऑन, राइट। सो बहरहाल आप देखें कि एस फेज के नतीजे में डुप्लीकेशन हुई और उसके बाद सेल जो है ये जी टू फेज में जाएगा, जी टू फेज के बाद फिर दोबारा ये जाएगा इनटू द माइटोसिस। सो ये सारी की सारी हमारे पास माइटोसिस है और ये जो है ओवरऑल कलेक्टिवली दिस इज द इंटरफेज। सो इसमें हम देखें माइटोसिस में प्रोफेज है, एंड देन यू हैव गॉट द मेटाफेज एंड देन एनाफेज एंड देन द प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड देन द टेलोफेज, राइट। सो बहरहाल इसमें ये डिफरेंट इसके फेजेस हैं। इसे आप देखें कि प्रोफेज के दौरान भी जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डुप्लीकेटेड होंगे। बेसिकली जब सेल प्रोफेज में एंटर होगा या जो क्रोमोसोम्स एज थिन थ्रेड्स अपीयर होंगे वो डुप्लीकेटेड शक्ल में ही होने हैं। इवन मेटाफेज में भी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स ही होंगे। हाँ, एनाफेज में, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइटोसिस, राइट। सो माइटोटिक एनाफेज के दौरान क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड होती है और क्रोमोसोम्स जो वो फिर अनडुप्लीकेटेड शक्ल में आ जाते हैं, लाइक दिस ओवर हियर। पहले वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में थे, अब वो आ गए हैं अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में। सो एनाफेज के बाद इवन टेलोफेज में भी वो अनडुप्लीकेटेड ही है, और उसके बाद फिर जो माइटोसिस के बाद जब सेल्स G1 फेज में एंटर होंगे, अगेन दे आर डुप्लीकेटेड। सो हम इसको ग्रॉसली ये कह सकते हैं, कि एनाफेज से लेके एस फेज तक, या एस फेज से पहले तक, आप फॉर श्योर कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स किस शक्ल में है, क्रोमोसोम्स हैं अनडुप्लीकेटेड फॉर्म में, अनडुप्लीकेटेड, राइट। और उसके बाद फिर डुप्लीकेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एस फेज, सो एस फेज में डुप्लीकेशन होगी, और उसके बाद एस फेज से लेके फिर एनाफेज तक जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में है। एनाफेज में दोबारा सेंट्रोमियर की डिवीजन से अनडुप्लीकेशन होनी है। ओके,
अब ये हमारे पास एक और कंप्यूटराइज्ड फोटोग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम के ये जैसे हमारे पास ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसमें यू कैन सी हियर हमारे पास ये सेंट्रोमियर है, ये ओवरऑल सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर के साथ एसोसिएटेड एक प्रोटीन है कैनेटोकोर, और बेसिकली कैनेटोकोर प्रोटीन ही वो साइट है जहाँ पर आके अल्टीमेटली स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे। सो और इसमें ये भी देखेंगे ये वो क्रोमेटिड्स जो कि सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच्ड हैं, दे आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। अब इसके बाद हम कुछ और मजीद क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, जस्ट टू टेस्ट योर मोर कॉन्सेप्ट्स। इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन इज 3, डी ऑप्शन इज 4 एंड ई ऑप्शन इज 8। इसमें हमारे पास पहली स्टेटमेंट है नंबर ऑफ आर्म्स प्रेजेंट इन एन अनडुप्लीकेटेड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब स्टेटमेंट क्या है, अनडुप्लीकेटेड और मेटासेंट्रिक पूछा क्या गया है, आर्म्स। तो अब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें हमने स्टडी किया था आर्म्स ऑफ इक्वल या ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ होंगे, राइट। और इसमें हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ आर्म्स प्रेजेंट इन एन अनडुप्लीकेटेड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तो ये अनडुप्लीकेटेड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो इसके अंदर जो आर्म्स होंगे वो कितने होंगे, दिस इज वन आर्म एंड दिस इज द सेकेंड आर्म, ठीक है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज बीटा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स प्रेजेंट इन अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स अब पूछे गए हैं, ठीक है। अब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम क्या है, दिस इज अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहां पे आपसे पूछे गए थे आर्म्स, अब यहां पे क्या पूछा गया है, क्रोमेटिड्स। तो ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसके अंदर एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम देखें, ये एक क्रोमेटिड है, देन यू गॉट द अदर क्रोमेटिड्स। सो एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमेटिड्स होंगे, अगेन योर बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी बीटा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन अ होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब यहां पे भी नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स आपसे पूछे गए, ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब जो अगर होमोलोगस पेयर होगा टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का, से हमारे पास ये अब होमोलोगस पेयर है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का, यहाँ पे चूंकि डुप्लीकेटेड का वर्ड यूज़ नहीं किया गया सो आप इसको ऑटोमेटिकली अनडुप्लीकेटेड ही अस्यूम करेंगे। सो इसके अंदर जो पेयर के अंदर जो क्रोमेटिड्स होंगे, अगेन चूंकि पेयर के अंदर दो ही क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है, लिहाजा इसके अंदर जो पेयर के अंदर क्रोमेटिड्स की तादाद होगी दैट वुड बी 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर ऑफ आर्म्स इन अ होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब हमारे पास अगर टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ आर्म्स कितने हैं, तो अगर इसके अंदर जो आर्म्स होंगे, चूंकि इनमें आर्म होता ही एक टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एक ही आर्म होता है, तो इसके अंदर आप देखें कि इसके अंदर भी एक आर्म ये हो गया, एक आर्म ये हो गया, क्योंकि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में एक ही आर्म होता है और एक ही क्रोमेटिड होता है, जबकि बाकी क्रोमोसोम्स के केस में आर्म दो होते हैं लेकिन जो क्रोमेटिड होता है वो एक होता है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चूंकि नंबर ऑफ आर्म्स इन अ होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स पूछा गया है, तो इसके अंदर क्रोमेटिड्स भी दो ही हैं और इसका मतलब है कि आर्म्स भी दो ही होंगे, इसका आंसर भी क्या होगा, 2, राइट। सो इसमें हमारे पहले क्वेश्चन में वंस अगेन इसको देखें, नंबर ऑफ आर्म्स प्रेजेंट इन एन अनडुप्लीकेटेड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम दो थे, फिर नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स प्रेजेंट इन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम वो भी हमने देखा दो थे, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन अ होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, तो उसका आंसर भी हमारे पास दो था, और उसके बाद फिर लास्ट पे नंबर ऑफ आर्म्स इन अ होमोलोगस पेयर ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, उसके आंसर भी दो है। सो आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज 2, बीटा। Assalamu alaikum. My name is Javeria Shafiq. I got 180 marks out of 200 in NMD CAT 2020. First of all, I am really thankful to Almighty Allah and then my parents and respected teachers who did a lot for me. I am a top grader aur is preparation ke pure journey mein top grade bahut helpful raha. Top grade ke video lectures, fast VN notes, especially question bank preparation ke liye best hai. I think I attempted almost 30,000 MCQs from Top Grade Question Bank, which is the reason behind my success. Iske saath saath, I am really thankful to respected Dr. Mohsam, because throughout the preparation, wo humari counseling karte rahe, humare saath rahe. So I will give 10 out of 10 to Top Grade, and I suggest all those students to join Top Grade who really want to become a doctor, because Top Grade best hai.
अब नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शंस हैं इसके न्यूक्लियस के। अभी हम न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे थे, तो न्यूक्लियस के अंदर ही अब डिस्कशन हमारी चली थी इसके ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर। हमने क्रोमोसोम्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, हमने क्रोमोस डुप्लीकेटेड अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स को अंडरस्टैंड किया, हमने सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, हमने क्रोमोसोम्स के डुप्लीकेशन अनडुप्लीकेशन को सेल साइकिल के साथ हमने इसको रिलेट करना सीखा, एंड हमने बहुत सारे फाइन कॉन्सेप्ट्स को जनरेट किया। उसके बाद बहरहाल अब हम इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं न्यूक्लियस के। सो यू कैन सीन हियर के फंक्शन में इट कंटेन द क्रोमेटिन फॉर कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। भाई सेल की जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल ही यहाँ से होनी है। क्यों? बाय द सेंट्रल डॉगमा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं अल्टीमेटली एक्टिविटीज़ के अंदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होनी है। प्रोटीन्स ने कहाँ से बनना है? मैसेंजर आरएनए से बनना है। और मैसेंजर आरएनए ने अल्टीमेटली कहाँ से बनना है? उसने जीन से बनना है। जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम कहाँ पे है? ऑफ कोर्स वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो क्रोमेटिन की शक्ल में है, लेकिन वो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। सो बहरहाल इसीलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर चूंकि क्रोमेटिन है और क्रोमेटिन के अंदर ही अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स में डीएनए के अंदर फिर जीन्स हैं, तो लिहाजा हम कहते हैं कि इसने सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है। तभी हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में भी कहा था कि न्यूक्लियस जो है हमारा ये कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस भी मौजूद है, विच इज़ द असेंबली ऑफ विच इज़ साइट ऑफ द असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। याद रखें ये कीवर्ड यहाँ पे असेंबली यूज़ किया गया है, सिंथेसिस यूज़ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स। राइबोसोम्स के सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर स्मॉलर सब यूनिट्स। तो बेसिकली जो आरएनए है ये ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा, भले ये राइबोसोमल आरएनए ही क्यों नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्शन ही से बनेगा। और उसके बाद फिर जो प्रोटीन है, ऑफ कोर्स प्रोटीन ट्रांसलेशन से बनना है। फर्ज करें अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियोलस है, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पे अगर क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन से राइबोसोमल आरएनए बनेगा जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर आ जाएगा। इस तरह से फिर एक और सेगमेंट होगा जिसकी ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाएगा। फर्ज करें कि ये मैसेंजर आरएनए है, ये साइटोप्लाज्म में गया, वहाँ जाके ये ट्रांसलेट होगा, ट्रांसलेट होकर जो प्रोटीन बनेगी वो न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करके वापस आएगी इनटू द न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस बेसिकली वो साइट है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स को कंबाइन करके क्या बना दिया जाता है? राइबोसोम्स। इसीलिए हम कहते हैं कि ये साइट ऑफ असेंबली ऑफ राइबोसोम्स है। अगर हम ये कह दें कि ये साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स है तो ये बहुत प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनली न्यूक्लियोलस के अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो बेसिकली असेंबल हो रहे हैं, राइट? सो एज दे आर गेटिंग असेंबल्ड, सो दिस इज साइट ऑफ असेंबली ऑफ द राइबोसोम्स। सो इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम असेंबली है वो दैट इज़ द न्यूक्लियोलस। लेकिन कई दफ़ा एग्जाम में इस तरह से भी स्टेटमेंट आ जाती है कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस, तो स्टिल अगर आपको फिर ऑप्शन में प्रेजेंटेड है न्यूक्लियोलस तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। एग्जाम में कई दफ़ा इस तरह के वेग वे में भी क्वेश्चन अपीयर हो जाते हैं, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट जो इसके लिए बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है अब वो आपके पास आ गया हुआ है। उसके बाद फिर जो राइबोसोम्स हैं इन टर्न खुद से दीज आर दी फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। सो ये खुद से यू कह रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में ये मेसेंस का रोल प्ले करते हैं, दीज आर दी फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो वंस अगेन फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस न्यूक्लियोलस एंड दी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स। So, dear students, that's all about the subsection of nucleus. I hope that you have enjoyed the process of learning the different concepts of nucleus with me, and I hope that you have learned to approach nucleus in a different way, in a very broader perspective. हमने maximally कोशिश की है, हम बहुत सारी चीज़ों को correlate करके आपके सामने present करें, बहुत सारे I hope कि मैंने जो core concepts हैं आपके उनको clear किए हैं, बहुत सारे missing links को मैंने आपस में जोड़ा है। तो ये basically जो मेरे ये वाले जो lectures हैं cell biology के, ये critically important हैं। If you want to learn biology from me, तो ये जो cell biology वाले मेरे lectures हैं, you should be having a good hold on these lectures, क्योंकि ये cell biology की understanding prerequisite है, right? उसके बाद जितने भी sections या sub sections मैंने discuss करने हैं biology के,
उनको उनकी डिस्कशन के लिए बार बार मुझे सेल बायोलॉजी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पेश आनी है, इसलिए मैं यहाँ पे इतनी डिटेल से आप लोगों को चीज़ें करा रहा हूँ। सो अब आपने लेक्चर सुन लिया है, अब आपका काम यह है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके इसके फास्ट रिवीजन नोट्स के जरिए ये सारे हाई यील्ड फैक्ट्स को रिवाइज करें, ज़रूरत पेश आती है इनको क्रैम करें, अपने टेक्स्ट बुक को रीड करें, उसके बाद फिर आप हमारा वहाँ से टेस्ट क्रिएट करके डिफरेंट इसके टेस्ट दें, न्यूक्लियस के सेक्शन में से जो जो क्वेश्चन आपके गलत हों उनकी एक्सप्लेनेशन को आप देखिए, नहीं समझ आती है उनकी जो ओवरऑल जो डिटेल्ड उनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर जो है, जैसे ये मैं लेक्चर डिलीवर किया है उसको दोबारा देखें। सो ये ओवरऑल पूरे के पूरा हमारा जबरदस्त सिस्टम है जो कि आपको इफेक्टिव वे में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा। सो इंशाल्लाह यू विल एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग विद अस, और अगर आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड ऑन अस बिकॉज वी नो दैट आवर सिस्टम इज कॉन्क्रीट। हमने रिसर्च करके बहुत डिफरेंट वे में काम किया है, डेवलप किया है जस्ट फॉर सेक ऑफ यू people, and we want you to get through the exam. Remember that you have joined top grade not just to pass, rather you have joined top grade so as to excel. So aapne excel karna hai, aapne top karna hai, aapne aage badhna hai, aapne extraordinary performance deni hai. You're not just an average student, you're not just another guy. So आप माइंड में ये चीज़ रख के स्टडी करें कि टॉप ग्रेड के साथ कि इंशाल्लाह आपने पूरे प्रोविंस में टॉप करना है और आपने बेस्ट रिजल्ट्स देने हैं, एंड इट विल ब्रिंग ऑनर टू यू एज वेल एज टू अस। थैंक यू वेरी मच।